हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर रमन और आज हम बात करेंगे वेजाइनोप्लास्टी। अब ये वेजाइनोप्लास्टी इज अ कॉस्मेटिक गायनिक सर्जरी, कॉस्मेटिक के लिए है। लेकिन ये वेजाइनोप्लास्टी किन लोगों में करनी चाहिए? अब अगर जिन फीमेल्स को वेजाइनल लूजनेस है, जिनकी एक दो डिलीवरीज हो चुकी हैं जिसकी वजह से उनकी वेजाइना काफ़ी लूजन हो गई है और एज की वजह से भी लूजनेस आ जाती है, और आप अगर अपने हस्बैंड के साथ संबंध या अपने पार्टनर के साथ संबंध रख रहे हैं तो आपको लूजनेस फीलिंग हो रही है, तो आप इस सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें आपको 30 मिनट की बेहोशी दी जाती है। इसमें जो आपका वेजाइनल एरिया है, जो आपका वेजाइना है, जो एक्सेस है, मतलब जो लूजन हो गया है, उसका एक वेज शेप टिश्यू हम उसमें से निकाल लेते हैं और वेजाइना के एजेस को पास पास ला के स्टिच कर देते हैं। उसके बाद जो आपकी मसल होती है, जो लिवेटर एनाई मसल होती है, जो वेजाइना को पेरिनियम को स्ट्रेंथन करती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप कीगल्स एक्सरसाइज कीजिए, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कीजिए, तो इस लिवेटर मसल को भी हम पास पास ला के स्टिच कर देते हैं ताकि इससे भी आपकी स्ट्रेंथनिंग और आ जाए, मतलब आपकी पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपकी वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी में हो जाती हैं। इससे आपका जो वेजाइनल एरिया, आपका जैसे 3 या 4 फिंगर है, वो 1 से 1.5 फिंगर ही रह जाता है, जो आपका पहले था डिलीवरी से पहले, जैसा आपका एरिया था वैसा हो जाता है इस सर्जरी के बाद। अब क्योंकि ये सर्जरी है तो इसके साथ जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो रहते हैं, बट बहुत ही माइनर रहते हैं। इस सर्जिकल प्रोसीजर में सिर्फ 30-40 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद आपको 3 से 4 हफ्ते तक आपके जो स्टिचेस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, स्टिचेस को रिमूव नहीं करना होता, ये अपने आप ही घुल जाते हैं। आपको 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक संबंध नहीं रखना होता, जब तक आपके स्टिचेस बिल्कुल हील ना हो जाए। इसकी केयर करनी होती है क्योंकि ये वाला एरिया जो है आपके पॉटी वाले एरिया के बिल्कुल पास है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे तो वो चांसेस भी बहुत मिनिमल रहते हैं। So guys, that's all about this vaginoplasty surgery, and that's all for today. Thank you. If you like this video, please subscribe.